Hello, my dear friends. I hope you all are fitting fine. And today I welcome you all wholeheartedly to our channel. So, as you all know that we are doing word power session. Till now, we have completed three videos, part one, part two, and part three. All right. So this one is going to be part four. And here I'll tell you how to remove very from the sentence. All right. And then, and what are the examples for the same word? Okay, how we can use those words in our sentence in order to make the concept clear. Okay, so before beginning our class, let me ask you whether you have revised your prior lessons or not. If not, I request you all to do it every day, because without revision, you will not be able to remember or recall anything. Okay, so let's begin with today's class. Okay, here we are going to replace very from our sentences. Okay, because when we use very, 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 then it does not sound good, isn't it? Jab hum apne sentences mein very use karte hain, very good, very bad, very clever. Okay, so ye very ki wajah se, alright, hum logo ka sentence jo hai wo grammatically incorrect to nahi hota. लेकिन जो इफेक्ट लिसनर को होना चाहिए वैसा नहीं होता. ओके, उसको पता चलता है कि ओ इसका इंग्लिश समझ में आ गया कि किस लेवल का है. ओके, तो उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही है. ओके, लाइफ में जितना काम करेंगे उतना ही हम लोगों को फ्रूट्स मिलेगा. ओके, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो ना नाम होगा, ना पैसा होगा, ना एक्सपीरियंस होगा. ओके, सो दिलो जान से काम करते हैं अभी और उसके रिजल्ट के लिए वेट करेंगे हम लोग. ओके, ऑलराइट, सो हियर वी आर गोइंग टू रिप्लेस वेरी फ्रॉम आवर सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू मेक इट अ बेटर साउंडिंग वर्ड. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड दैट आई हैव टेकन इज फेरोशियस. ओके, फेरोशियस, फेरोशियस मींस वेरी फियर्स, जो कि बहुत ही वायलेंट हो, जैसे टाइगर. ओके, या फिर कोई भी एनिमल जो जब उसको गुस्सा आता है तो वो क्या हो जाता है, एकदम फेरोशियस हो जाता है. ओके, वायलेंट हो जाता है. तो फेरोशियस का माने है बहुत ही वायलेंट, वेरी फियर्स. सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट वेरी फियर्स. ओके, वी विल राइट फेरोशियस. द लायन इज अ फेरोशियस बीस्ट. द लायन इज अ फेरोशियस बीस्ट. नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल हियर, दिस lion, some of the, you know, students of mine, they pronounce it as leon. Okay, it's not leon, it's lion. All right, it's lion, l-i-o-n. I is coming first, isn't it? Therefore you have to pronounce it as lion, not leon. Okay, or loin, some of the students pronounce it as loin. That is totally incorrect. Okay, so we are going to pronounce it as lion. The lion is a ferocious beast. Beast means animal. Okay, all right, let's move to another one. Deafening, deafening. Okay, deafening matlab jisse ki bahut shor hai aur hum log ko kaan band karne ka naubat aa gaya, us loud sound ko bolenge deafening situation. All right, very loud, deafening, very loud, deafening, deafening. Okay, deafening, नहीं बोलेंगे, deafening. ओके, ऑलराइट, CC आई हैव रिटन, CC, इट्स शॉर्ट फॉर्म आई हैव टेकन एज चार्ली चैपलिन. ओके, यूजुअली वी डोंट एब्रीविएट पीपल्स नेम, ऑलराइट, बट हियर आई एम डूइंग बिकॉज देयर इज लेस स्पेस ऑन माय बोर्ड. ओके, चार्ली चैपलिन रिसीव्ड अ deafening ओवेशन. ओके, ओवेशन किसको बोलते हैं, खड़े होके जब हम ताली बजाते हैं ना किसी के परफॉर्मेंस के लिए या फिर कुछ अच्छा उन लोगों ने किया उसके लिए, ऑलराइट, उसको बोलते हैं ओवेशन. ऐसा माना जाता है कि जब उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 1972 में, उस वक्त जो ऑडियंस थे उन लोगों ने 12 मिनट के लिए उनके लिए तालियां बजाई. ओके, लेकिन उसको रिकॉर्डिंग यू नो सिर्फ 1.5 मिनट ही रिकॉर्डिंग हो पाया. ये इसलिए क्योंकि उस वक्त का टेक्नोलॉजी उतना अपग्रेडेड नहीं था. ओके, बिकॉज ऑफ एड्स एंड अदर थिंग्स वो हाफ ऑफ द पोर्शन रिकॉर्डेड नहीं हुआ. राइट, तो आई हैव टेकन दिस एज एन एग्जाम्पल. चार्ली चैपलिन रिसीव्ड अ
डेफिनिंग ओवेशन, ओके, डेफिनिंग ओवेशन मतलब इतनी ज्यादा वहां पे ताली बजी जिससे कि मतलब कान बंद करने का नौबत आ गया, ओके. तो ये व्यूअर्स का लव था जिसको उन लोग चार्ली चैप्लिन पे निछावर कर रहे थे, ओके. लेट्स सी अनदर वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं और अपने बच्चों को भी नीट एंड क्लीन रखते हैं, राइट. तो वैसे नीट एंड क्लीन वाले इंसान को बोलते हैं इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट, ओके, इमैक्यूलेट. रिमेम्बर, वेरी नीट, जिसके ड्रेस एकदम नीट एंड क्लीन है, स्पॉटलेस है. अगर एग्जैक्ट इसका मीनिंग देखा जाए तो स्पॉटलेस, स्पॉटलेस इज द एग्जैक्ट सिनोनिम ऑफ इमैक्यूलेट. ऑलराइट, सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर सेइंग समबडी इज वेरी नीट, यू आर नॉट गोइंग टू से वेरी नीट, यू विल से द पर्सन इज इमैक्यूलेट, ओके. ही वोर एन इमैक्यूलेट डार्क सूट. इट इज एप्लीकेबल टू पीपल्स बिहेवियर एज वेल. जो जिसके चरित्र पे कोई दाग नहीं है, जिसने किसी को ठगा नहीं है, किसी यू नो चोरी डकैती कुछ नहीं किया, ओके, किसी का दिल नहीं दुखाया, कुछ बुरा काम नहीं किया, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं ही हैज एन इमैक्यूलेट पर्सनालिटी और इमैक्यूलेट नेचर, ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही वोर एन इमैक्यूलेट डार्क सूट, ओके, दिस इज आई, ओके. आई होप इट्स क्लियर. नीट एंड क्लीन को बोलेंगे इमैक्यूलेट, राइट. नेक्स्ट लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब जो सुस्त रहता है हमेशा, वेरी स्लीपी, दिन रात सोने का ही उसका नौबत है, राइट. कोई का तो एक यू नो बीमारी की वजह से होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग लेजी हो गए हैं आज के डेट में. ना सवेरे उठ के योगा करते हैं, ना कोई फिजिकल मूवमेंट करते हैं ताकि उनके शरीर पे ऑक्सीजन जाए, ओके. और ऑक्सीजन नहीं जाने का ही कारण है कि दिन रात उन लोग सोते रहते हैं, ओके. क्योंकि जब बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा तभी तो पूरा सिस्टम काम करेगा ना. ऑक्सीजन इज फुल टू आवर सिस्टम, राइट. लेकिन वो ऑक्सीजन ही हम लोगों की बॉडी में नहीं आया तो क्या होगा, हम लोग स्लिपी हो जाएंगे, ओके. तो उस सिचुएशन को बोलते हैं लेथार्जिक. माई ब्रदर इज अ लेथार्जिक पर्सन. मेरा भाई जो है वो लेथार्जिक पर्सन है. वो इसलिए क्योंकि वो दिन भर सोते रहता है, राइट. दिन भर सोते रहता है, इसलिए ये एग्जाम्पल एप्रोप्रिएट है, ओके. नेक्स्ट पेटीट, ओके. पेटीट मतलब छोटा सा, कोई यू नो इनसिग्निफिकेंट, जो कि साइज में छोटा है या उसका सिग्निफिकेंस छोटा है, राइट. या बल्कि वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ये किसी इंसान के लिए भी हो सकता है, किसी चीज के लिए भी, कि इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, राइट. एवरी पेटीट डिसीजन विल चेंज वन्स लाइफ. हर छोटे छोटे डिसीजंस जो हम लेते हैं उससे हमारा पूरा लाइफ चेंज हो जाता है, 360 डिग्री चेंज हो जाता है कभी कभी, ओके. सो दिस इज गोइंग टू बी एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड दैट इज पेटीट, ओके. अनदर वर्ड कैन बी ट्रिवियल, ओके, टाइनी, एक्सेट्रा, ऑलराइट, ओके. सो आई होप दिस फाइव आर क्लियर टू यू ऑल. लेट्स रिवाइज इट क्विकली. वेरी फियर्स मीन्स फेरोशियस, वेरी लाउड डेफनिंग, वेरी नीट इमैक्यूलेट, वेरी स्लीपी लेथार्जिक, वेरी स्मॉल पेटीट. प्रोनाउंसिएशन इज पेटीट, ओके. ऑलराइट, सो सेंटेंसेस यू कैन मेक इट बाय योरसेल्फ, ओके. यू कैन डू वन थिंग, यू जस्ट सेंड मी वन सेंटेंस आउट ऑफ एनी ऑफ दीज फाइव, ओके. ये पांच में से किसी एक का आप सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए ताकि मैं चेक कर सकूं आपको मीनिंग क्लियर हुआ या फिर नहीं, ओके. तो इसके सिवा हम लोग तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे. तो जब तक हम लोग वापस आते हैं तब तक आप रिवाइज कीजिए सभी वर्ड मीनिंग्स को, सभी लेसन्स को, लिटरेचर, राइटिंग, ग्रामर. आजकल हम लोग सभी टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहे हैं, तो आप हर टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए ताकि आप इस पे महारत हासिल कर सके, ओके. तो जब तक हम लोग मिलेंगे तब तक के लिए हम लोग को इजाजत दीजिए. थैंक यू.
टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।